क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। बेतिया में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन यज्ञ को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। मधुबनी में कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न, सचिव की टीम ने की अध्यक्षता। मोतिहारी में युवा मोर्चा सामाजिक संगठन की बैठक, युवा मोर्चा कार्यकारिणी का हुआ विस्तार। नालंदा में घर में खेलने के दौरान हुआ हादसा, दूध में गिरने से मासूम झुलसी। नालंदा में 7 दिवसीय भागवत सप्ताह संपन्न, कलाकारों ने श्रद्धालुओं का मन मोह लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है बिहार की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। बेतिया में हनुमत प्राण प्रतिष्ठा और श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि कुंवारी कन्याओं ने सिर पर कलश रखकर भव्य शोभा यात्रा निकाली। मंत्रोच्चार के बीच कलश में जल भरकर नाचते गाते और बच्चों द्वारा निकाले गए झांकी के साथ वापस कथा स्थल तक पहुंची गई, जहां पंडित ने भागवत कथा का महत्व भी बताया। ये सभी विश्व के कल्याण हेतु, विशेष करके इस मंझौलिया थाना अंतर्गत बेखबरा और नौतन पंचायत में यह आयोजित किया गया है श्री हनुमत प्राण प्रतिष्ठा सह भागवत कथा ज्ञान यज्ञ, जिसका आज शुभ कलश यात्रा के माध्यम से, कल मंडप प्रवेश के माध्यम से 28 जनवरी 2023 को पूर्णाहुति के माध्यम से ये यज्ञ संपन्न होगी। लेकिन आज शोभा यात्रा के माध्यम से हम सभी जगह का प्रारंभ कर रहे हैं और कल जो है मंडप प्रवेश सुबह पूजन के साथ सायंकालीन प्रतिदिन भागवत कथा का भी वाचन का यहां प्रबंध किया गया। बेतिया में शराब के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इस अभियान के तहत पुलिस ने कई लीटर देशी शराब के साथ 2 महिलाओं को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने शराब कारोबारियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। जांच में भी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मद निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। कल विशेष रेड छापेमारी में थाना के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 8 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 7 शराब के मामले में गिरफ्तार हुए हैं तथा 1 वारंटी हैं। कुल 23 लीटर शराब बरामद हुआ है। गिरफ्तार होने वालों में कृष्ण मुरारी, आशीष, भीम, सुरेश, मनोज, ये शराब के मामलों में गिरफ्तार हुए हैं। 2 महिलाएं भी हैं तथा 1 वारंटी हैं प्रमोद शाह, जो पुरुषोत्तमपुर के रहने वाले हैं। इनको गिरफ्तार किया गया है, सभी को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। मधुबनी में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन संपन्न हुआ है, जिसकी अध्यक्षता जिला सचिव की टीम ने की। आपको बता दें कि सम्मेलन से प्रस्ताव पारित कर 15 फरवरी के प्रस्तावित गांधी मैदान रैली में हजारों की संख्या में भाग लेने का निर्णय लिया गया है। रैली की तैयारी में कार्यकर्ता सम्मेलन में 15 प्रखंडों के 500 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाकपा वाले पोलित ब्यूरो के सदस्य मौजूद रहे। आज हम लोग मधुबनी जिला स्तर का भाकपा माले का कैडर कन्वेंशन कर रहे हैं और कैडर कन्वेंशन के जरिए हम लोग ये लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ जो रैली 15 फरवरी का है गांधी मैदान पटना में, उसके तैयारी के संबंध में कार्य योजना बनाया जाएगा।
इसमें क्या मतलब योजना तैयार कर रहे हैं? हम लोग को योजना है जो इस जिला से 4000 की संख्या में जनता को ले चलना है और पटना के अंदर में एक लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ महारैली करनी है। इस संदर्भ में पूरा प्रखंड के लोग आएंगे, कार्यकर्ता लोग आ रहे हैं, सैकड़ों कार्यकर्ता आ रहे हैं। भाकपा माले के 11वां राष्ट्रीय महाधिवेशन 15 से 20 फरवरी पटना में आयोजित है। इसके अवसर पर लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली 15 फरवरी को गांधी मैदान में भाकपा माले के द्वारा आयोजित की गई है। इसको सफल बनाने के लिए आज माले नगर में जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन है, जिसमें गरीबों को उजारने से पहले बसाने की मांग, जमीन और आवास मुहैया करने की मांग, पर्चाधारियों को पर्चा वाली भूमि पर बसाने की मांग सहित देश में बहुत ऐसा जो कर। मोतिहारी में युवा मोर्चा सामाजिक संगठन की तैयारी आयोजित की गई। आपको बता दें जिसमें आम सभा की बैठक कर सर्वसम्मति से कार्यकारिणी का चुनाव किया गया। इसमें संस्थापक और अध्यक्ष को राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुना गया। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना सिंह ने बताया कि हम लोग हमेशा गरीब असहाय लोगों की मदद करते आ रहे हैं, आगे भी मदद करते रहेंगे। चैनल के देखने वाले सभी दर्शकों को मैं डॉक्टर मुन्ना सिंह प्रणाम और नमस्कार करता हूँ, युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज हम लोग जिला में एक नए संगठन बिहार युवा मोर्चा का हम लोग ऐलान कर रहे हैं। इस संगठन का उद्देश्य काफ़ी बड़ा है। हम लोग का उद्देश्य यही है कि जैसे आज सब लोग भाई जितना यहाँ जुड़ा है, कहीं ना कहीं ये लोग 10 साल 12 साल 15 साल अपने जीवन को समाज सेवा में लगाया है और हम लोग लगातार समाज सेवा करते हैं, चाहे वो कोरोना काल हो, बाढ़ हो या अभी ठंड में हम लोग का जो मुहिम चल रहा था, तो हम लोग तो काम करते ही है। लेकिन एक चीज बड़े पैमाने पे हम लोग के सामने आया जो जिला में, वो है भ्रष्टाचार। रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्राइम टीवी। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। देश की संस्कृति को बयां करते हैं हस्तशिल्प उत्पाद। आइए इसी हस्तशिल्प कारीगरी से घर लाए हम खुशियों की सौगात। आ गया है लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव 24 जनवरी से 7 फरवरी, जहां होंगे 28 राज्यों के हस्तशिल्प उत्पाद और प्रतिदिन भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम। देश की संस्कृति से रंगे अपना जीवन, आइए लखनऊ हस्तशिल्प महोत्सव, काशी राम सांस्कृतिक कार्यक्रम स्थल, बंगला बाजार, आशियाना। स्वागत है आप सबका, बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर नालंदा से है, जहां 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह का संपन्न हो गया है। कथा का समापन राधा कृष्ण के फूलों की होली के साथ की गई।
समापन के मौके पर वृंदावन से पधारे कथाव्यास गोविंद मृदुल महाराज द्वारा भगवान कृष्ण और सुदामा मिलने के बारे में चर्चा की गई। इस मौके पर पंजाब से आए कलाकारों ने भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की झांकी प्रस्तुत की, जो श्रद्धालुओं के मन को छू गया। विश्राम दिवस है, अपने शहर वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ के योगदान दिया, उन सबका धन्यवाद, दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और सभी लोगों को मेरे तरफ से भंडारा प्रसाद का निमंत्रण है, कल 12 बजे से व्यवस्था की गई है, जो दिया है सुदामा जी की तरह उसी भाव से आप लोग आकर के ग्रहण करें, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद है इतना प्रेम स्नेह देने। आज ये गढ़पर मोहल्ला में बिहार शरीफ में श्री रजनीश कुमार सिंह ने श्रीमती निधि सिंह जी के यहाँ चिरंजीव गोविंद मुदगल जी के द्वारा भागवत कथा हो रही थी, आज जिसका विश्राम दिवस था, 6 दिनों से बहुत आनंद आ रहा था, आज भी बहुत अच्छा सुदामा चरित्र हुआ। सुदामा जी 2 मुट्ठी चावल लेकर के गए और भगवान ने 3 लोगों का सुख सुदामा जी को प्रदान किया है। हमारे आज सप्तम दिवस की कथा, आज कथा का विश्राम हुआ है और कल जो है श्रीमद् भागवत कथा का 12 बजे से विशाल भंडारा है जिसमें 20 है, और आज सुदामा प्रोग्राम चला, बहुत भक्त लोग बहुत आनंदित हुए, फूल की होली का प्रोग्राम किया गया, यहाँ राधा कृष्ण का नृत्य हुआ, सुंदर नृत्य के साथ साथ उन्हें फूलों की वर्षा की गई और फूलों की होली खेली गई। नालंदा में घर में खेलने के दौरान एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि मासूम खोलते हुए गर्भ में दूध में गिर गई, दूध में गिरने से मासूम झुलस भी गई, इसके साथ ही हादसे में सामने, जिसमें अलाव तापने के दौरान अचानक आई मिर्गी से युवती आग में झुलस गई, जिसके बाद आनन फानन में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, प्राथमिक उपचार के बाद आयुर्विज्ञान संस्थान पावापुरी रेफर कर दिया गया। बचिया के मिर्गी आता रहता था, मिर्गी बचिया के आता था, तो 15 दिन पर, 20 दिन पर, 8 दिन पर हमेशा बराबर चला था, तो बहुत ही इलाज कराया बच्चा, मगर कहीं के दवा नहीं थी, कितनों दवा खिलाया तो नहीं अच्छा हुआ, लेकिन इसका भी तो 28-30 साल इसका उम्र भी करा। आज क्या हुआ? आज हो गया, कल है कि बोरसी ताप रहा था, ऐसा मिर्गी चला है तो भाई बोरसी ताप रहा था, ठंडा के मौसम था तो बोरसी ताप रहा था, हम से इसका देखा है, यानी खाना बना रहा था, हम इसका देखा है, यानी खोल रहा था उस समय, इसका बच्चा खेलते खेलते धर दिया हाथ, इस तरह से दूध छिलक के हाथ भी जल गया, पूरा गोल भी जल गया। कहाँ ये घटना हुआ? बड़े पहाड़ी। बच्चा कौन? बच्चा मेरा भतीजा होगा। क्या नाम है इसको? सौरव कुमार नाम है। आपका? मेरा अशोक कुमार नाम है। नवादा में जमीनी विवाद को लेकर हमला बोल दिया, हमले में एक युवक को चाकू मार दिया, जिसमें युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पूर्व में जमीनी विवाद चल रहा था। किससे? विनोद यादव, रामबचन यादव। हाँ, समझे। आज क्या हुआ? आज सर हमारा जमीन में उसका बकरी चल रहा था, गेहूं चरा रहा था, तो हमारा बच्ची मना करने की, रामबचन यादव विनोद यादव ने उसको गला काटने की कोशिश की, गला काटने नहीं दिया तो चाकू से पैर पे वार कर दिया। कहाँ का मामला? सिंगौर गांव में फसल था। क्या नाम बच्ची का? खुशबू कुमारी। पिता? राम खिलावन यादव। क्या नाम है? राम खिलावन यादव। बिहार की खबरों में आज के लिए बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक
जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। चाणक्य की कूटनीति हूँ मैं, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ मैं, राजनीति की पराकाष्ठा हूँ मैं, गरीबों की आवाज हूँ मैं, क्योंकि प्राइम